गल होगी सारा जो फेल हो गया यार मैं सीपीए जो किदा पास हो गया मैं तो पास होने जो का पेपर भी नहीं सी अटेम्प्ट करया तन्नू पता इस वार तो मेरी भी सपली आ गई है अपने इन हालात पिछे एको ही मनहूस बंदे का हाथ है कोई ना दीप्ति तू रीएवैल्यूएशन भर के देख ला की पता चेक कर तो घट वध नंबर लग गए अनमोल कॉलेज वाले सच्ची बहुत धक्का कर रहे ने ते धक्का भी है जा जिससे कोई किंतु परंतु ही नहीं किया जा सकता ये किवें पता लगूगा कि मेरी वाली अब मेरा मतलब तुहाडे दीदी जी केड़े ने सिंपल आ अज कॉलेज का रिजल्ट आया ओदे च गिल सर ने सर्च कर लो यार आप कली कली तो गाना गवा के देखा मैं अपन फिर आ गए भूल गया अपनी की शर्त लगी सी भूलता तू गया वे लखविंदर याद कर कि मैं तेरे करे कहे तो मैं कुड़ियां फसाने टिप्स दी जड़ी ला दिंदा हुंदा सी तू बहुत ही ओवर एक्टिंग ना कर एक बारी कहण ते नहीं मिंता कराउंदा हुंदा सी तू मेरी आ ते हुण भी तो मिंता कर ही रिहा वो पीछे कुड़ी देखदा आए आए कटो कट उम्र दा लिहाज ही कर ला ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚਿੱਟੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਓਏ ਉਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਸੂਟ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਦਪਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਸ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਗਵਾਉਣਾ ਵਾਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰਿੰਕ ਹੋਏ ਸਚਿਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਗਲਤੀ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਲੱਗੀ ਓਏ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੜਾਈ ਦਾ ਦਪਿੰਦਰ ਆ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਡਮ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਗਾਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਫਾੜ ਦੂੰਗੀ ਆਊਟ ਪੱਟ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਵੀਰੇ ਮੰਨ ਜਾਓ ਨਾ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਵੀਰੇ ਵੀਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੀਬਾ ਤੀਬਾ ਅਲੇ ਕੀ ਪੱਗ ਬਨਵਾ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ ਐਦਾਂ ਜਿਮ ਲਾਉਂਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂ ਮੈਂ ਵੀਰੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਓ ਯਾਰ ਕੀ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਾਈ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੜੀ ਦੇਖਦੀ ਆਪਣੇ ਡਰੰਗੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਹਾਂ ਕੀ ਯਾਰ ਅਵਨੀਤ ਗਿੱਲ ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਣਾ ਗਵਾਉਣਾ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਯਾਰ 100% ਉਹੀ ਆ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਛਾਂਟਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇੰਸਟਾ ਟਵਿੱਟਰ ਟੰਟਨ ਸਨੈਪਚੈਟ ਟਿੰਡਰ ਔਰਕੁਟ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਐ ਇਦੂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਾਵਾ ਜਿਮ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਵਗ ਜਾ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਰਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਵਧਾ ਲਈਏ ਤੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਈਟ ਫੜੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਈਟ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੂਰਾ ਰੋਡ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨੀਚੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਪੂਰਾ ਨੀਚੇ ਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਪਲੀਜ਼ ਹੈਲਪ ਮੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਣਾ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣ ਦੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ 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 ਗੋਨੀਆਂ ਗੋਨੀਆਂ ਜੱਟਾ ਸ਼ਰਿਆਮ ਤੂੰ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਜੱਟਾ ਸ਼ਰਿਆਮ ਤੂੰ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ भैया जी अरे आप हमार कंडीशन नहीं समझ रहे हो अरे इधर हमार मूड कोर्ट चल रहा है और आप हमको बोल रहे हो कि हम उसको गाना गाने के लिए बोले पूछना आप दे मूड कोर्ट दे चक्करा साडे मूड दी मां भैण इक ना कर तेनू असी दस सारी दस ता ओदी आवाज सुने बिना असी नहीं इथों पैर पटन वाले ओ पूछना आया यार किन्ना टाइम हो गया हां 2 मिनट आ गया कितनी मिट्टी में आ जा
सुन ली आवाज, अब मैं जाऊं। ए गाना गाना। प्रणाम जज साहब, मैं केस को शुरू करने का इजाजत चाहूंगा। हाँ जी, शुरू किया जाए। शुक्रिया जज साहब। तो आप बच्चे का कस्टडी चाहती हो? जी हाँ। लेकिन कानून कैसे मान ले कि आप अपने बच्चे का परवरिश अच्छे से कर सकते हो? ऑब्जेक्शन जज साहब, ओवररूल। शुक्रिया जज साहब। तो मेरा सवाल ये है कि अगर कल को आपके बच्चे को नींद नहीं आती है तो क्या आप उसको लोरी गा के सुना सकती हैं? लोरी सुनाने को केड़ा बच्चा है? देखा देखा जज साहब, अरे जो औरत अपने बच्चे को बच्चा नहीं समझती उसको हम कस्टडी कैसे दे दें? ऑब्जेक्शन जज साहब, ओवररूल। शुक्रिया जज साहब। तो मोहतरमा, अगर आप अपने बच्चे का कस्टडी चाहती हो तो कानून लोरी मांगता है। चलिए लोरी सुनाइए। सुनाओ ना। हाँ हाँ सुनाइए सुनाइए। अरे बोलिए। लला लला लोरी सूट की कटोरी। हाँ जी तो बूहे बारियां ते नाले कंधा टपके जामा के हवा बनके सब कुछ करता सकते हैं पर तेनू गाउन दी लोड़ नहीं। जसमें लगता पहले तो दंदा उतार कटौनी पैनी है फिर आवाज कटू गुरु कर लावा लेनी है। नहीं 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 एक गल सुन बिल्लो कन करके ना मित्रा कां बोले बने रे ते जस जस ने मैं बोला अड़ावा का तर ओ आ दीदियां ता सारी बेसुरियां निकलियां यार रात जो गई ने ले। ओ यार तू कोई गिल गोत वाली कुड़ी मिस ता नहीं करती? ओ यार जस एदा तो हो ही नहीं सकदा, बंदा ता अपना गोत 2 किलोमीटर तो देख लंदा यार, तू गल करदा मिस ता नहीं करती ते फिर लब क्यों नहीं रही? लिस्ट ता सारी कटी गई यार। मेनू पता की लगदा, जेड़े हिसाब नाल ओ शेर जे लिखदी है ना किते ओदा गोत शेर गिल ता नहीं? जेड़े हिसाब नाल तू भोरदा तेरा गोत किते भोर गिल ता नहीं? ओ की हो गया जस, इधर उधर झाकी जाना जरूरी नहीं हर कुड़ी कागज अपना सरनेम लिखे। ओ दी ता सियाणी बहुत है, पति व्याह तो बाद ता सरनेम बदल नहीं दिंदा। ओ जस मेरी गल सुन, दीदी वल्लों मैं माफी मांगदा। ओ जस ओ मेरी गल सुन। बाय द वे भव्या, जेड़ा सीपीआई दे पेपर च सीरियल ते पैरेलल पोर्ट दे विच डिफरेंस आया सी, ओदे च सीरियल पोर्ट दी स्टैंडर्ड वैल्यू तो पता लग गया? अरे हाँ हाँ सिंपल था, उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू तो RS-232C और RS-422 होती है। ओके पर ये आंसर तेनू कितों मिले? मैं तो पूरी बुक फिरोलती। ये आंसर तो आज क्लास में मुझे अनमोल ने एक्सप्लेन किया था। अनमोल? हाँ जी। ये वाला टॉपिक समझाओगे मैंनू? केड़ा कॉम्बिनेशनल सर्किट? हाँ जी। हेलो चलो ठीक है डेजी, मैं फिर बाद में बात करती हूँ। ठीक। मे आई कम इन? हाँ जी बीजी, एक कोई पूछने वाली गल आ। मैं क्या भाई, उन मेरी छोटी भैन टॉपर हो गई है, थोड़ी जी इज्जत करनी तो बनती है। की गल, तेनू टॉप करने की खुशी नहीं हुई? नहीं नहीं वीर जी, एहो जी कोई गल नहीं, खुश हाँ मैं। पर कितना ना कितने मैं ऐ लगता कि लक ने मेरा बहुत साथ दिता है। जे उस दिन अनमोल पूरा पेपर अटैम्प्ट कर लेंदा ता की पता मैं कदे फर्स्ट ही ना आंदी। सीरियसली डेजी, तेनू लक लगता? ये लक नहीं, तेरी मेहनत ना जस्टिस होया जस्टिस। मैं थोड़ी गल मान लेंदी वीर जी, जे अनमोल दी पर्ची एक्चुअल च सीपीआई दी निकलदी। देख चोरी दा चोरी बचू, भावे लख दी होवे भावे कख। तू ये सोच के अनमोल ने पहले 2 साल च फर्स्ट आउण लई किन्नियां पर्चियां चलाईयां होणगीआं? चल छड, जे तैनूं अपने आप ते डाउट है तां 4th sem दे पेपर आउण वाले ने, कौण किन्ने पाणी चापे पता लग जू। तूं
जाओ नकल ची पांदा। चलो हुण तुसी जाओ इत्थों। की होया डिज़? की होया? पढ़ना मैं। हुण फर्स्ट राउंड लई पढ़ना तो पैना। जाओ इत्थों, मैनूं डिस्टर्ब ना करो। ओके। कहाँ रह गया था हमको बुला करके, साला इतना लेट। एक बार हमको मिल जाए ऐसा फोड़ेंगे के तोड़ डालेंगे। का बे है? का बे लव ब्रेकर बाजी के में हो? की में हो? अरे पूरा 20 मिनट से तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तुम्हारी वजह से हमारा क्लास मिस हो गया पता है। सॉरी लव ब्रेकर बाजी। अरे का लव ब्रेकर? लव ब्रेकर नाम नहीं है हमारा, भूषण कुमार। बाजी तुसी तो गुस्सा ही कर गए, मैं तो तानू उस दिन वाले ऑफर बारे पूछना सी। देखो भैया, हम तुमको पहली और आखिरी बार बोल रहे हैं कि हमसे फ्री फायर इंडिया का चैंपियनशिप नहीं हो पाएगा। क्यों? अरे हमारा स्टडी पता कितना टफ है, हमको उसी से टाइम नहीं मिलेगा। बाजी झूठ ना बोलो, तुसी स्ट्रीमिंग भी तो करते हो। बोलो 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 बोलो। हमको कुछ नहीं करना। बाजी मैं तो मजाक कर रहा सी। नाले पढ़ाई दा लॉस किवें होएगा? प्रीलिम्स तुहाडे ऑलरेडी क्लियर है ते मेंस दा रिजल्ट अजे आना है। अच्छा, इंटरव्यू की तैयारी नहीं करना होता है? इंटरव्यू की तैयारी नहीं करना होता है? सोच ज्यादा चुस्त मत बनो, नहीं तो फोड़ डालेंगे। नहीं देखो, इंटरव्यू तो मेंस तो बाद है, ते मेंस का रिजल्ट हजे आना है, ते जदों मेंस का रिजल्ट आएगा उदों तक चैंपियनशिप खत्म भी हो जानी है, फिर तुसी कर दे रहे हो तैयारी। रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट कहा है भाई से? हमारे साथ ज्यादा फ्रैंक होने की जरूरत नहीं है, समझे? जाओ जाकर के रजिस्ट्रेशन करो। जाओ पाजी, रजिस्ट्रेशन नहीं, प्रैक्टिस द टाइम है। वो कैसे? रजिस्ट्रेशन में ऑलरेडी कराती। साला सुस्त, तुम सच्ची में बहुत चुस्त हो गए। अब आगे आगे मत भागना, ठीक है? साथ में रहना। नहीं, जिद्दा तुम ही कहोगे पाजी उद्दा ही करूंगा। हाँ चल ठीक है, वो देख बंदा पेट के पीछे मार उसको। मार मार मार। शाबाश है सुस्त, बढ़िया खेल रहा है। पोषण तू ही भी बढ़िया खेल रहा है। लगा 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 लगा। मार मार मार। ए ए ए ए। आह ओया। आउट मेरे आज आटी दी एप्लीकेशन आ, जो के मैंने मेरे पेपर दिखाने का अधिकार दे दिया। अनमोल बेकसूर है, पर्ची सीपीआई दी नहीं है। की हुआ अनमोल? गुड इवनिंग मैडम। मेरे नाल नाराजगी कोई? नहीं मैडम, नाराजगी वाली तो कोई गल नहीं। मैं कॉल कर रही हूं, तू फोन ही नहीं पिक कर रहा, ना मैसेज दा रिप्लाई कीता। मैडम मैं थोड़ा बिजी सी। देख ही रही हूं तू कितना बिजी है। मैडम तुसी मैनूं इसलिए कॉल कर रहे सी ना कि कॉलेज वाले ने मैनूं सीपीए दे एग्जाम च जानबूझ के पास कीता। मतलब तैनूं पता है ते जिस पेपर च मैं सिर्फ पॉइंटा ते पास होया उसी सप्ली पर के मैं उस तो वध नंबर लेके आ सकदा सी। हां ऐसे करके डेजी दी ओवरऑल परसेंटेज तेरे तो ज्यादा होगी। हां जी पता मैडम। जे तेनु सब पता है फिर तू चुप क्यों बैठा? मैडम हुन तुसी की चाहंदे हो कि ये छोटी जी गल पीछे हुन फिर तो तन्ना लाके बैठ जिए? छोटी जी गल? अपने रियाद कॉलेज दे टॉपर नु 15 लाख दा पैकेज मिलदा, तेरे हथों भी गया ते जेड़ी स्कॉलरशिप लगी सी ओ भी। कोई नहीं मैडम, मैं कर लूंगा मैनेज। किवें कर लेंगे मैनेज? घर च कल्ला कल्ला कमाउण वाला तू। I'm sorry अनमोल, मेरा इरादा तेरा मन दुखाना नहीं सी। मैडम मेरे वालों भी सॉरी, एक पेपर वाली गल करके तो मेरा पहले ही मूड ऑफ सी, तो दूजा एक मन इस बार इलेक्शन दे विच प्रेसिडेंट खड़ा होने लई दबाव पाई जांदा। ते इहदे च गलत की है? कॉलेज अच्छी रेपुटेशन है तेरी, बोल बाणी चंगी है, इंटेलिजेंट है, आई क्वालिटीज तो होंदी है एक प्रेसिडेंट दी। मैडम हुण तुसी भी किरत वाली गल्लां करनी शुरू कर दित्ती है। मतलब? पता नहीं मैडम, जदों दी किरत घरों आई आ बस पार्टी बनाउण दी गल्लां करदी रहिंदी आ। आखे असीं साफ सुथरी पार्टी बनावांगे, सानूं कर्नाटक करके असीं अपनी पार्टी नूं प्रमोट करांगे। मैनूं लगदा अनमोल तैनूं कीर्ति पार्टी वल्लों प्रेसिडेंट खड़ जाणा चाहीदा,
क्योंकि कॉलेज की तानाशाही रोकने लिए काउंसिल च तेरे वर्गा प्रेजिडेंट होना बहुत जरूरी है। तो मैडम जितना भी जरूरी है तो जितने प्रेजिडेंट खड़ना भी जरूरी है। मैडम जो यही गल तो मैं पी एस ए वालों प्रेजिडेंट खड़ा हो जाना तो नाले उन्होंने चंगा नाम भी आ उत्तों मैं आप अप्रोच कर रहे हैं जे नाम वधिया एदा मतलब ये थोड़ी है भी उन्होंने काम भी वधिया ने। पी एस ए पार्टी वाले मैं चंगी तरह जानती हूँ वो पोलीटिकल पार्टी के अंडर काम करते हैं तो उन्होंने प्रेजिडेंट हाई कमांड की परमिशन तो बिना चूं तक नहीं करता। कॉलेज एम्बुलेंस दीप्ति कीरत की हुआ दीप्ति एपिलेप्सी मिर्गी का अटैक आया कि गल का स्ट्रैस ले बैठी सी। मैम वार्डन ने उन्हें हॉस्टल चो कढ़ता उपरों रही खुँदी यदि सी पी चो सप्ली आ गई वो तो पेपर भी ठीक ठाक हो गया सी एदा। सॉरी लक्की भैया वो आज मूड कोर्ट था ना तो थोड़ा लेट हो गए। चलो आओ पढ़ते हैं अपन है भूषण मेरा मूड या नहीं यार। अरे का लक्की भैया आप भी ना एक सप्ली को लेकर के सुबह से माता मना रहे हो। की सप्ली हो की सप्ली 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 ना हुई पित्ते च पत्थरी हो है जेड़ा मिलदा पिंड दी बुढ़िया को शुरू हो जाता। हाँ भैने हौसला रख कोई गल तू ना ऐ करया कर जोर लाया कर आपे निकल जू मेरिया भी दो आ मैं भी बहुत तंग आ हाँ दुखी करके रख लिया। लेकिन लक्की भैया हमको तो जसो रेकम भैया ने बताया कि आपको सचमुच में पथरी है और आपको रुक रुक के आता है। नहीं मेरी गल सुन लोगों दिन कुंडलियाँ च ना आप राहु ते केतु होंगे साला मेरी कुंडली च आज जसते एकम है। अरे का हो गया लक्की भैया है का हुआ अगर लाइब्रेरी से निकाल दिया तो अपन ऐसा करते यहाँ पढ़ ले सब पता साले नु स्वाद लेंदा जान जान के। अरे नहीं लक्की भैया अरे हम तो चाह रहे हैं कि आपका मूड सेट हो जाए। हाँ अच्छा लक्की भैया अगर सप्ली का इतना टेंशन नहीं है तो ये सुंदर सा चेहरा ये मुरझाया का है। मुरझाना तो आपे ही है अज मैं उसनों जो देख लिया चिरे करके आज दिन देखने पै रहे हैं। लकी भैया कहीं आप रूप भैया का बात तो नहीं कर रहे हो। देखो लकी भैया आपके और रूप भैया के बीच में का हुआ का नहीं इका बारे में हमको इतना तो नहीं पता लेकिन हाँ एक बात हम जरूर कह सकते हैं कि जो कुछ भी हुआ ना रूप भैया उस बात के लिए बहुत शर्मिंदा है सच में। भूषण तू अजे अनजान है तू रूप दा असली रूप नहीं देखा जे नाले जे इन्ना ही शर्मिंदा सी वो ते फिर उधर थाने च मिलन क्यों नहीं आया। आपको पता है भैया कि आपका जमानत किसने करवाया था। हाँ तू एकम जस बापू जी ते फौजी अंकल। भैया जिस दिन हम आपको जेल में मिलने आए थे ना उस दिन हमारे साथ रूप भैया भी आए थे। अरे ऐसा चो तो मामला निपटाने के लिए तैयार ही नहीं था सारा मामला का सेटलमेंट रूप भैया ने किया था। हाँ ते बड़ा सहन कर देता ना उन्हें यार ते हाथ भी तो फिर उन्हें चक्या सी 3 लाख रुपया मांगा था एसएचओ ने और आपको पता है कि वो 3 लाख रुपया आया कहां से। भैया जिस इंसान को आप दो गला बोल रहे हो ना सच में दो गला है जिसने अपना गाड़ी भी बेच दिया और आपको कानो कान खबर भी नहीं होने दिया सिर्फ आपके लिए लक्की भैया सिर्फ आपके लिए और आप उनको कहते हो कि छोड़ो यार।
हाँ भी युवराज बेटा तेरे बिना तो पार्टी का स्वाद ही नहीं आता। संजीव युवराज नू पा एक पैग। हाँ जी सर। वो अनमोल धरने लाउंदा फिरदा सी ना चौड़ा होके, ओनू नहीं सी पता कि वो अपनी कबर आप खोद रहा है। चलो अनमोल तो अपनी कबर आप ही खोद रहा सी बलवीर सर, पर ओनू पास करके हा मिट्टी पाने वाला कम की नहीं किया। जितों तक मैनू याद है अनमोल ने पास होने जोगा पेपर अटैम्प्ट किया ही नहीं सी। तुहाडा अंदाजा बिल्कुल सही है युवराज, अनमोल ने पास होने जिन्ना पेपर अटैम्प्ट वाकई नहीं करे। इहदा मतलब उहदे पेपर नाल गड़बड़ की गई। हाँ जी सर। वो किवें सर जी? कई बार घर की सफाई करने वाले ही घर का सफाया कर जाता है। जिस दिन ब्रजेश पेपर चैकिंग लिए पेपर चकन गया, इन्हें एक वैल अटैम्प्टड पेपर के नाल अनमोल के पेपर नू एक्सचेंज करता। उन्हां दी क्लास दीप्ति नाम की कुड़ी है जिस दे नाल अनमोल का पेपर एक्सचेंज होया, तो वह कुड़ी फेल हो गई तो अनमोल पास हो गया। चलो ये तो सानू मजबूरी बस करना पे, पर ये पहली ते आखिरी बार सी, अगे तो सब नहीं होना चाहिए। हाँ मखण की? जिमें कि तुहानू सब नू पता ही आ कि कॉलेज वाले वालों मेरे नाल कीती गई जाती दा स्टूडेंट्स ने डट के विरोध किया, तो उसके बदले विच कॉलेज वाले ने धरने विच शामिल हुए स्टूडेंट्स नाल धक्केशाही करनी शुरू कर दी। शायद वह चाहते ने असीं फिर तो धरने विच बैठीए ता जो साडी पढ़ाई का फिर तो नुकसान हो, पर लगदा भुल गए ने कि सरकार ने स्टूडेंट्स नू वास चक्कण लई कॉलेज इलैक्शन लड़न का हक दिता होया। इसलिए असीं सारे ने मिल के स्टूडेंट एसोसीएशन फॉर कम्युनिटी हेल्प नाम की एक पार्टी बनाने का फैसला लिया है। मैं अनमोलदीप सिंह सिद्धू कॉलेज प्रेजिडेंट, सुखमनी कौर वाइस प्रेजिडेंट, सुखचैन सिंह सैक्रेटरी, मनी महेश जनरल सैक्रेटरी की पोस्ट चोन लड़ेंगे। मैं उम्मीद करदा कि तुसी साडी पार्टी नू वध तो वध सपोर्ट। होशियार स्टूडेंटां दे मसीहा, प्रधानां दे भी प्रधान, हक्कां लई लड़न वाले सहनशाह अनमोलदीप सिंह सिद्धू पधार गए ने। जहापना तुसी ग्रेट हो जी, आ तोहफा कबूल करो। की आहे जहापना? ए नोटिस है रूम खाली करन दा। कोई ना, ए भी साडी पार्टी दे मैनिफेस्टो च शामिल कर लैने आ कि एक बार लॉर्ड कीता होया रूम प्रशासन उदों तक नहीं खाली करवा सकदा जदों तक सेमेस्टर खत्म ना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तां तां सर्वसम्मति नाल प्रधान ही बनाता है ना, बाकी कंटेस्टेंट तां बैठ गए कहिंदे वोटां होणी ही नहीं इस बारी। वैसे मेरा अंदाजा ना पहले दिन तो सही सी कि तू उदां ही हुशियार है, राजनीति दा तां तैनूं कख भी नहीं पता। वो जे साला प्रेजिडेंट खड़ना ही सी तां चीमे बाई दी पार्टी वल्लों खड़ जांदा यार, उन्हां दा बेस दे किन्ना स्ट्रोंग है। नाले चीमे बाई ने तां तैनूं सिद्धी ऑफर कीती सी कि प्रेजिडेंट खड़ जा, फ्री फंड दा प्रेजिडेंट बणदा तां नज़ारे लैंदे। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੀ ਐਸ ਏ ਵਾਂਗੂ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਿਆ ਕਰੂ। ਟੱਟੂ ਕਰਿਆ ਕਰੂਗੀ, ਲੱਗੇ ਆਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਨਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਲ ਤਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿਦਾਂ ਮਾੜਾ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਚੀਮਾ ਬਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਮਾੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਧਰਨਾ ਵੀ ਚੀਮਾ ਬਾਈ ਕਰਕੇ ਲੱਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚੀਮਾ ਬਾਈ ਕਰਕੇ ਰੁਕੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਮਰਾ ਵੀ ਚੀਮੇ ਬਾਈ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਰੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਚੀਮੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੀਰਤ ਹੋਰਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਆ। ਜੇ ਗੱਲ ਆ ਕਮਰਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਚੱਲ ਜਾ ਓਏ।
शाबाश है, नहीं रीसा दिखाने लग गई ना फिर पॉलिटिक्स रंग पैगी ना फिर यारी च फिक। तेरा कमरा मेरा कमरा, तू धरना लाया मैं धरना लाया, वो यार मसा मसा तो कट्ठे हो पहला वाली रौनक लगन ही लगियां सीगा, तुसी पॉलिटिक्स वाला काम शुरू कर लिया। अनमोल तू तो सियाना ना यार, तू भी कहदा सियाना, सैकेंड आया ऐतकी, पढ़ाई तो मेहनत तो की करनी सी, चक नवी पार्टी बना ली, हुण फिरदा रही किताबां दी थां ते हथ च ठूठा फड़ी डोर टू डोर वोटां मंगदा। होर की होर, तू की कमरा कमरा लाया सी नाले, यार कमरे वड्डे हो गए यारी नालों, एडा ही मोह आ जाके चीमे नाल पै जा, जो देखो चीमा ए चीमा ओ नहीं है। की गल तेरी मिस्किल लभी नहीं फिर, और ताही तो अपने गल पिया। चल कोई नहीं, असीं तेरी गिल वाला मुद्दा भी अपनी मैनिफेस्टो च शामिल करांगे, नाले अनाउंस कर दांगे कि जिन्हें मिसगे लभती ओनू पार्टी वालों लख रुपए इनाम। सालिया क्यों झूठ बोली जाना, इलेक्शन का बजट तो सिर्फ 5,000 हुंदा। ओ यार तुसीं फिर सियासत जी विच वाल ली, मेरा पहला ही मूड खराब आ। ओ यार जस आपां मूड खराब करना ही क्यों है, जे अगली इन्नी फुटेज खा रही है तो दफा कर, आपां होर सिंगर लभ लांगे। ओ यार सिंगरां तां 100 तुरियां फिरदियां, चक्कर ये आ उहदी आवाज ही नहीं भुल रही मैनूं, 24 घंटे दिमाग च वजदी रहिंदी आ। चल कोई ना, इन्ने नखरे तो कुड़ियां करदी ही हुंदियां ने, तू ठंड रख तेरे कोलों अपने पाऊ। आहो तैनूं ज्यादा पता ना तिनी बाज नूं, ओह जस इहदी गल्लां च ना ही, अजकल दा कबूतरियां दा हिसाब ही होर है, बिठा किते ते छतरी किसे होर दी। की मतलब ओए तेरा, मैं कबूतरी क्या कबूतर तां नहीं क्या मैं चिट्टिया। एक बार दस रहा कि अनमोल ने किसी का कतल किया। हाँ दसिया तो सी थोनू जी गल, मैंने इलेक्शन तो पहला पहला अनमोल का क्रिमिनल रिकॉर्ड चाहिए ताकि नॉमीनेशन फिल कर दो रोक सक। हाँ मेरा फोन के मैं खोल लिया, तू ये पहला का गुला सी यार। कीरत आपां नूं 5,000 तो उत्ते खर्चा करना ही पैना। रूल्स दे अकॉर्डिंग ना आपां सिर्फ 5,000 ही खर्च कर सकदे, तां आपां 5,000 ही करांगे। कीरत इन्ने क पैसे च स्टूडेंट पार्टी इलेक्शंस नहीं लड़िया जा सकदी। कीरत जी क्या आई नो मैं तुहाडी पार्टी नूं सपोर्ट करन दा प्रॉमिस कीता सी। मेरे वल्लों तां तुसीं जी साडियां वोटां भी लै लो, मैं तां उहदे लई वी तैयार हां, बाकी जान तां चलो। सत श्री अकाल, मैं तुहाडी अपनी राज धालीवाल। हाँ जी दोस्तों, फिर किवें लग्या अज दा एपीसोड, लाइक शेयर ते कमेंट करके जरूर दस्यो। फ्री फायर नूं डाउनलोड करन लई नीचे डिस्क्रिप्शन च लिंक दिता होया। अगला एपीसोड 5 दिसंबर नूं शनिवार शाम 5 बजे आ रहा है। ट्रोल पंजाबी चैनल नूं सबसक्राइब करन लई मेरे राइट साइड ते बटन है, उहनूं क्लिक करो।